देखा, बच गया। अरे ये तो मेरा दोस्त पुत्तन है, इतना उदास क्यों है ये? पुत्तन नाम है, और क्या रीजन चाहिए उदास होने का? क्या हुआ पुत्तन, क्यों रो रहे हो? कल डांस कंपटीशन में जज ने मुझसे पूछा कि तुम्हें डांस आता है, तो क्या उसने मेरा डांस देखने के बाद ये सवाल पूछा, ओ ताकि मैं शो से बाहर हो जाऊं। दाल अच्छी बनी थी तो कुकर के साथ खा लिया क्या? औ करके सीटी मार रहा है। तुम लोग जाओ खेलो, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एंड ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये तो ओ कर रहा है, मतलब ये हमारी तरह भेड़िया है। सारे भेड़िये शहर से दूर भेड़ियापुर में रहते हैं, इसे भी वहाँ रहना चाहिए। देखो यहाँ शहर में रहकर कितना दुखी हो गया है। कैच हिम। ओहो तुम्हें तो इंग्लिश ही नहीं आती। कैच हिम मतलब पकड़ो उसे। पुत्तन फ्रिस्बी फेंक। एक बार फ्रिस्बी फेंक कर तो देख, मजा आएगा। अब मेरी बारी। शाबाश, नाउ रन। अरे भागने के लिए बोल रहा हूँ, अनपढ़ो। अरे ये लोग पुत्तन को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम चारों को क्या चाहिए? हम तो अपने साथ ही भेड़िये को अपने साथ ले जा रहे हैं। अरे यार इन लोगों ने कंफ्यूजन में पुत्तन को भेड़िया समझ लिया है। कंफ्यूजन तो सबसे होता है। कल पोपट ट्रैफिक के सामने खड़ा हो गया, लोगों को लगा ग्रीन सिग्नल है। तो सबने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी क्या? नहीं नहीं, फिर ये मुड़ा और इसकी लाल चोंच को सब रेड सिग्नल समझ के रुक गए। अरे मेरी खिल्ली उड़ाना छोड़ो और उसे पकड़ो। चलो। अभी इससे पीछा छुड़वाता हूँ। बच्चों थोड़ा राई, थोड़ा जेल, और तोड़ दो मटकी। Yeah.
क्या बात है, वी आर विनिंग। अरे हम जीत रहे हैं, यू स्टुपिड डफर। यस स्टुपिड। डांट रहे हैं हम तुम्हें, भेड़िया होकर। ओ आए ना आए, इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। और ये बताओ, कल सुपरमार्केट में भुट्टे को हैंडल वाला पॉपकॉर्न बोलकर कौन मांग रहा था? अरे चुप, मान लिया तुम भेड़िए हो भाई, मगर इतना आओ आओ करने की जरूरत नहीं है। ओ मैं उदासी में ओ करता हूँ ताकि स्ट्रेस कम हो पाए। मैं उदास हूँ क्योंकि बचपन में मुझे सोने की चम्मच से दूध पिलाया था। लेकिन ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो चम्मच आज भी गले में अटकी हुई है। सर दे आर गॉन। चलो अच्छी बात है। अरे सर दे आर गॉन मतलब वो आ रहे हैं। सर तो खुद इंग्लिश में कमजोर है। लास्ट स्टॉप। सब उतरो, पुत्तन को लेकर भागना होगा। ये उस भेड़िये का आईडी कार्ड है, ये लोग भेड़ियापुर में रहते हैं। चलो वहाँ। बहुत बढ़िया साथियों, आई विल गिव यू गिफ्ट। ओहो, अरे हम तुम्हें तोहफा देंगे। मैं उदास हूँ, मेरे मैथ्स में 100 out of 100 आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, पापा ने कार गिफ्ट किए। तो उदास क्यों हो? ये रस्सी गड़ रही है, ढीली कर दो ताकि मैं सांस ले पाऊं। नहीं, रस्सी खोलकर तुम उन बिल्लों के पास चले जाओगे। सारे भेड़िये भेड़ियापुर में ही रहते हैं, इसीलिए तुम आज से यहाँ रहोगे। सर वी आर सेफ। हाँ पता है। अरे वी आर सेफ मतलब खतरा है। तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, कम से कम एक्सप्रेशन तो डरने वाले दे दिया करो, ऐसे ऐसे करके। ये पुत्तन हमारे जोरदार की तरह ही है, मतलब जोरदार भी भेड़िया है। साथियों इसे भी इन बिल्लों से बचाओ। अरे नहीं भाई, मैं डॉगी ही हूँ, भौंक कर बताता हूँ। अरे मेरे फोन की रिंगटोन है, सॉरी। हम समझ गए कि तुम चारों मार खाकर ही जाओगे यहाँ से। अरे यार ये लोग नहीं मानेंगे, पुत्तन को छुड़ाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। Yeah.
तुम बेकार नकारा कामचोर हो। नहीं, ये ऐसा क्यों बोल रहा था तुम्हारे बारे में? आइडिया, भेड़िये को भेड़िये कई तरीके से समझाता हूँ। भेड़िया भाई साहब, बताओ अगर चीज की डिमांड बढ़ जाए तो उसका क्या बढ़ेगा? भाव। जिंदगी में क्या नहीं बदलना चाहिए? स्वा भाव। हमें बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? भेद भाव। इतना भाव भाव कर रहा है, ये भेड़िया नहीं डॉगी है। मारो इसे। हम समझ गए कि जो तुम समझाने आए थे वो हम गलत समझ लिए थे, और पुत्तन को ना समझी से हमने कुछ और समझ लिया, और अपनी समझ से ये ना समझी कर दी। वाह, क्या कंफ्यूज करके समझाया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा है हा? नहीं, हम माफी ही मांग रहे हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू, थैंक यू, मैं बच गया। ओ Oh!